वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मिर्ची वड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे मिर्च के पकौड़े भी कह सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मिर्चों को धोकर सुखा लिया था। अब इनमें सेंटर में कट लगाएंगे और इनके सीड्स निकाल देंगे। ये बड़े वाली हरी मिर्चें हैं, इसी से मिर्ची वड़ा बनता है, क्योंकि ये मिर्चें ज़्यादा कड़वा नहीं होती। जो थोड़ी बहुत होती भी हैं तो अपने सीड्स के कारण होती हैं, इसीलिए इनके सीड्स निकालने ज़रूरी हैं। तो सभी मिर्चों के सीड्स इसी तरह से निकाल देंगे। दूसरी साइड मसाले के लिए 4 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच नमक लेकर इन सबको दरदरा सा कूट लेंगे। स्टफिंग के लिए 4 से 5 मीडियम साइज के आलू बॉयल करके मैश कर लिए थे। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज और 1.5 चम्मच मसाला जो पहले तैयार किया था और 1.5 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें, 1 चम्मच गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन सभी मिर्चों में आलूओं का तैयार किया हुआ मिक्सचर एक एक करके भर लेंगे। मिर्ची वड़ा बनाते हुए एक बात का ख्याल रखें, अगर आपको मिर्चों का छिलका थोड़ा सा मोटा लग रहा हो तो कट लगाने से पहले 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल करें या फिर स्टीम कर लें, उसके बाद कट लगाएं। अब एक बर्तन में 5 से 6 सर्विंग स्पून बेसन लेकर आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी ऐड करके इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ख्याल रखें, पेस्ट ना तो पतला होना चाहिए ना ही गाढ़ा, इसीलिए ग्रेजुअली इसमें पानी ऐड करेंगे, एक साथ पानी नहीं ऐड करना। आधा चम्मच हल्दी और ऐड की है, यहाँ पर टोटल 1.5 चम्मच हल्दी का घोल में ऐड कर दिया है। दूसरी ओर तेल गर्म हो चुका है, अब एक एक मिर्च लेकर बेसन के घोल में डिप करेंगे और तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मिर्चों को उल्ट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। Thank you.